सो वेलकम बैक टू रिमेडियल टाइम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लोगों में किस तरह से हम लोग स्क्वायर को ड्रॉ कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे रेगुलरली। So we can create a square in two ways in MSW logo. So which are first जो है using FD और RT command का इस्तेमाल करके और दूसरा जो है repeat command का इस्तेमाल करके। तो चलिए पहले देखते हैं RT command या फिर FD command अगर आप use करेंगे तो किस तरह से आपको ये करना है लिखना है। So पहले तो आपको क्या करना है, MSW जो logo है उसको open करने के बाद आपको क्या करना है, कमांड विंडो में जाके आपको लिखना है FD100। यानी अगर आपका टाइटल इस तरह से रहेगा सो आपको FD100 लिखने के बाद इस तरह से जाएगा, फिर RT90, फिर इस तरह से घूमेगा, फिर FD100, फिर RT90, फिर FD100, देन RT90, अगेन FD100। सो इसी तरह से हम लोग FD कमांड का हेल्प से या फिर आप बोल सकते हैं FD और RT का कॉम्बिनेशन का हेल्प से हम लोग इस तरह से एक स्क्वायर ड्रॉ कर सकता है। और इसी काम को अगर हम लोग दूसरा वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब जस्ट आपको लिखना है रिपीट 4, क्योंकि 4 बार रिपीट होना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 बार रिपीट होना है। क्या क्या रिपीट होना है आपको, FD100 ये रहा FD और RT90, मतलब RT90 डिग्री में घूमना 4 बार और FD 4 बार। सो रिपीट 4, FD100, RT90 लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है या फिर एग्जीक्यूट जो है उसमें आपको प्रेस करना है। करते ही आपका सामने जो है इस तरह का जो स्क्वायर जो है वो सामने आ जाएगा। सो इसी चीज़ को आइए देखते हैं प्रैक्टिकली किस तरह से करते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर।